हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा और मैं शर्मा जी आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th की पाइथन। आज हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे फाइल्स को हैंडल करा जाता है, डेटा फाइल कैसे फाइल को खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे, कैसे उसके अंदर रीड और राइट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपका यूजफुल और प्रैक्टिकल होने वाला है वाला चैप्टर आपका। सो स्टार्ट करते हैं डेटा फाइल से। सो डेटा फाइल्स क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी फाइल्स जो डेटा को स्टोर करें उन्हें हम डेटा फाइल्स कहते हैं। अब हमें दो टाइप्स की फाइल पढ़नी है, पहली हमारी टेक्स्ट फाइल और हमारी बाइनरी फाइल। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है, जैसा हम उसको टाइप करते हैं, और हर लाइन के एंड में एक डिलिमिटर लगा होता है जो लाइन को एंड करता है, और इस केस में वो डिलिमिटर हमारा होता है बैकस्लैश एन न्यू लाइन। अब इस डेटा को कोई भी ह्यूमन इजीली पढ़ सकता है, बट कंप्यूटर को इसे पढ़ने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है। तो इसे पढ़ने के लिए कंप्यूटर को करनी पड़ेगी ट्रांसलेशन, और ये ASCII कैरेक्टर्स पहले लो लेवल फॉर्मेट में जाएंगे, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऐसे फॉर्मेट्स में जाएंगे, तब इसको कंप्यूटर पढ़ पाएगा, और फिर जाके कंप्यूटर उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा उस फॉर्मेट में। लेकिन बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, बाइनरी फाइल्स में जो डेटा होता है वो ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में स्टोर होगा जिस फॉर्मेट में वो मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, यानी उसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाइनरी फाइल को तो ह्यूमन पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो लो लेवल पर है, इंग्लिश में है नहीं, वो कंप्यूटर उसको ईजिली पढ़ पाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट लो लेवल में है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। तो हमारी फाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है उसके अंदर स्पेसेस होते हैं और न्यू लाइन के लिए अलग जगह होती है, लाइंस होती हैं, तो वो साइज़ थोड़ा ज़्यादा खाती है, बट मेमोरी के अंदर ऐसे कोई स्पेसेस और न्यू लाइंस नहीं होते, तो बाइनरी फाइल्स का जो होता है वो साइज़ भी कम होता है। सो फाइल्स तो हमें यार बहुत यूज़ करनी आती हैं, अब उन्हें ये देखते हैं कि हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फाइल्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक दलाल की, एक मीडियोकर की, और वो मीडियोकर हमारा होता है फाइल ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, जो हमारी फाइल्स होती हैं उसको हम डायरेक्टली उठा के अपने प्रोग्राम में नहीं ला सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बीच में एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो हमें फाइल से कनेक्ट करवा देता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट उस फाइल का रेफरेंस ले लेगा, उस फाइल का एड्रेस ले लेगा, और अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके अंदर सारी चीज़ें करा सकता हूँ। मेरे को फाइल के अंदर कुछ टाइप करना है तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कराऊंगा अपने प्रोग्राम से। ठीक है, डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट कनेक्ट करवाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे देखते हैं। सो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा कनेक्टर की तरह वर्क करता है फाइल के बीच में और जो हम प्रोग्रामर हैं उनके बीच में। तो देखते हैं फाइल ओपन कैसे करनी है। तो फाइल ओपन करना बहुत सिंपल है, जैसे आपको फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है। सो यहाँ पर हम फाइल जो है वो नॉर्मली ओपन नहीं कर रहे हैं, हमें प्रोग्राम के अंदर फाइल ओपन करनी है। सो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है ओपन नाम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर हम उसका रेफरेंस ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया ए, अभी ये वही है आइडेंटिफायर, कोई भी नाम हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है जिसके अंदर फाइल का रेफरेंस आएगा, इक्वल टू ओपन, ओपन हमारा फंक्शन है। ठीक है, ओपन लिखा और ब्रैकेट में हमें फाइल का नाम डाल देना है जो फाइल हमें खोलनी है। तो जैसे हमने यहाँ करा ए इज इक्वल टू ओपन और फाइल का नाम दे दिया, फाइल का नाम क्या दिया, कोई भी फाइल थी, माई फाइल डॉट टीएक्सटी, नाम से क्या लग रहा है, टेक्स्ट फाइल है। सो एक टेक्स्ट फाइल को हमने खोल लिया और ए के अंदर हमने उसका रेफरेंस रख लिया। सो मैं माई फाइल के अंदर वर्क कर सकता हूँ ए के थ्रू, क्योंकि ए हमारा यहाँ पर मीडियोकर है, हमारा ब्रोकर है। सो जब भी मैं यहाँ पर फाइल डालता हूँ तो उस फाइल को पाइथन सर्च करता है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, जनरली जहाँ हमारा प्रोग्राम पड़ा होता है। ठीक है, अब प्रोग्राम तो कहीं भी हो सकता है, मान लो फाइल मेरे को कहीं और से उठानी है तो उसके लिए मेरे को पूरी डायरेक्टरी डालनी पड़ती है, वो हम आगे देखते हैं कैसे डालते हैं। सो मोर वेज टू ओपन फाइल क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरी डायरेक्टरी डाल रखी है ई मेन्यू फोल्डर में जाके डेटा डॉट टीएक्सटी। इससे क्या होता है, डायरेक्टरी के थ्रू फाइल खुलती है। इस इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में पाइथन वहां देखता है जहां पर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, तो ए इज गस टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी। अब एक तीसरी चीज और दे रखी है यहाँ पर, लास्ट चीज क्या है, ये होता है हमारा मोड, यानी कि हम अपनी फाइल को किस मोड में खोलना चाहते हैं। तो जब हम फाइल खोलते हैं तो हमें जो हमारा ब्रोकर है, जो हमारा मीडियोकर है, उसको बताना पड़ता है कि हम फाइल क्यों खोल रहे हैं। सो जैसे मेरे को अगर बताने की मेरे को फाइल में से कुछ रीड करना है तो मैं इसको बोल दूंगा कि आर लिखना है, मेरे को रीड करना है। अगर मेरे को फाइल में कुछ राइट करना है, यानी फाइल में कुछ लिखना है, तो मैं इसको यहाँ पर डब्ल्यू लिख के बता दूंगा कि मेरे को फाइल में लिखना है। तो जब भी हम फाइल खोलेंगे तो हमें इन्हें बताना पड़ेगा रीड करने के लिए खोल रहे हैं, राइट करने के लिए खोल रहे हैं। अब फाइल डायरेक्टरी के थ्रू खोलने के लिए मेरे पास दो मेथड होते हैं। पहला तो हमारा ये नॉर्मल वाला, जैसे मैंने खोला ई लिख के और डबल बैक स्लैश लगा के। बट अगर मेरे को डबल बैक स्लैश नहीं लगाने, सिंगल बैक स्लैश लगाने जो हमारा रॉ फॉर्मेट होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो गलत हो जाएगा। रॉ फॉर्मेट यूज़ करने के लिए मेरे को स्टार्टिंग में एक आर लगाना पड़ेगा जो बता देगा कि ये रॉ फॉर्मेट में आ रही है डायरेक्टरी, तो वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। ठीक है, नहीं तो इस बैक स्लैश को क्या समझ के बैठ जाएगा, मैंने बताया था बैक स्लैश एन को न्यू लाइन समझ लेगा और बैक स्लैश डी को कुछ और समझ लेगा, और फिर हमारी डायरेक्टरी गलत हो जाएगी। इसलिए हमने डबल बैक स्लैश लगाया था, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं बैक स्लैश के आगे कुछ भी लिखता हूँ तो स्पेशल कैरेक्टर बन जाता है एक ही। ठीक है, अगर मेरे को रॉ चाहिए तो मैं यहाँ पर आर लिखूंगा। फाइल को खोलने के हमने दो मोड देखे, पहला था हमारा रीड मोड, दूसरा था हमारा राइट मोड। जिस भी मोड में हमें खोलनी होती है वो हम ओपन के अंदर बता देते हैं दूसरे पैरामीटर में आर और डब्ल्यू से। सो हमारे पास और भी ज़्यादा मोड्स हैं कुछ, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या एक्सेस मोड्स हैं हमारे पास फाइल के। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों में पढ़नी है, फिलहाल हमने टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल देखे। तो पहला तो हमारा रीड मोड, रीड मोड में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी फाइल होती है वो ओपन हो जाती है रीडिंग पर्पज़ के लिए, तो फाइल जो है वो होनी चाहिए, अगर फाइल नहीं हुई तो फिर एरर आएगा। ठीक है, अगर मैं रीड मोड में खोलता हूँ,
अगला मोड होता है मेरा राइट मोड। राइट के अंदर मेरे को फाइल के अंदर लिखना होता है, कुछ राइट करना होता है। सो अगर इसके अंदर फाइल ऑलरेडी होगी तो पहले वो फाइल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और फिर जो भी मेरे को उसके ऊपर काम करना है वो हो जाएगा। और अगर फाइल नहीं होगी तो ये अपने आप वो फाइल बना देगा जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही फाइल में से रीड भी करूँ और राइट भी करूँ तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ आर प्लस और डब्ल्यू प्लस। अब आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों रीड एंड राइट, राइट एंड रीड डिफरेंस आता है। अगर मैं आर प्लस लिखता हूँ तो इसमें रीड की प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है कि अगर फाइल होगी तब वो खुल जाएगी, उसमें हम रीड राइट कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो एरर आ जाएगा। बट डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, अगर फाइल होगी तो उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर मैं उसमें रीड राइट कर सकता हूँ। अगर फाइल नहीं होगी तो एक न्यू फाइल बन जाएगी, फिर मैं उसमें रीड राइट कर सकता हूँ। ये इसके अंदर डिफरेंस है बस। तीसरा हमारा मोड होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड हमारे नाम से पता चल रहा है अपेंड, ये हमने लिस्ट में भी देखा था अपेंड कैसे करते हैं। अपेंड मोड में क्या होता है, मैं बेसिकली लिख तो सकता हूँ बट पिछला डेटा डिलीट नहीं होता। राइट मोड में पिछला सारा डेटा डिलीट हो जाता है, अपेंड मोड में इसी डाटा के नीचे अपना न्यू डेटा ऐड कर सकता हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं हम अपेंड मोड। और अपेंड मोड भी हमारा राइट जैसा ही है, तो अगर अपेंड मोड को भी फाइल नहीं मिली तो अपनी नई फाइल बना लेगा, और अगर ऑलरेडी फाइल होगी तो डाटा ओवरराइट नहीं होगा, उसके नीचे अपेंड हो जाएगा डेटा। अब मेरे को अपेंड और रीड एक साथ करने हैं तो मैं ए प्लस यूज कर सकता हूँ अपेंड एंड रीड, ये भी राइट की तरह ही है, बस वही है कि डेटा ओवर राइट नहीं होगा, अगर फाइल ऑलरेडी होगी डेटा नीचे से अपेंड होगा है, और इसके अंदर रीड राइट दोनों वर्क करेंगे, और अगर फाइल नहीं है तो न्यू फाइल ये बना देगा और उसके अंदर वर्क करेगा। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सारे फॉर्मेट हो गए हमारे आर डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए और ए प्लस। बाइनरी फाइल में भी मेरा सेम ही सीन है, बट इसके अंदर मेरे को बाइनरी शो करना पड़ता है कि बाइनरी फाइल है। सो अगर मेरे को बाइनरी में रीड करना है तो मैं आर बी लिखूंगा, राइट करना है तो डब्ल्यू बी यानी बी बी एड करता जाऊँगा। आर प्लस की जगह आर प्लस बी या आर बी प्लस, ठीक है, डब्ल्यू प्लस बी या डब्ल्यू बी प्लस, ए बी और ए प्लस बी या ए बी प्लस। सो ये सिंपल है तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें ये कंडीशन याद रखना। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से रीडिंग अ फाइल से, कैसे फाइल को रीड करा जाता है। सो फाइल में से रीड करने के लिए मेरे पास मेरा ब्रोकर आ चुका है जो है कि है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, हम रीड फंक्शन का यूज करेंगे। रीड फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न्स ऑल द बाइट फ्रॉम द फाइल, यानी फाइल के अंदर जितनी भी बाइट्स होती हैं, बाइट्स मतलब कि जितना भी हमारा डेटा स्टोर है, क्योंकि जो हमारा एक करेक्टर होता है वो हमारा एक बाइट के बराबर होता है, ठीक है। फाइल के अंदर डेटा तो करेक्टर्स की फॉर्म में ही है, एस्काई फॉर्म में, हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं। सो एक एस्काई यानी एक करेक्टर, यानी एक करेक्टर यानी एक बाइट, तो जितनी भी बाइट्स हैं ये सारी बाइट्स हमें दे देगा, रिटर्न कर देगा। अगर मैं एन नहीं देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कोई पैरामीटर दे देता हूँ 5, 6, 7, तो जितना भी मैं इसको नंबर दूंगा उतनी बाइट्स दे देगा, ठीक है। तो फाइल के अंदर मान लो अगर कोई भी बड़ा सा सेंटेंस लिखा है या फिर एक बड़ी बड़ी पोएम लिखी हुई है, तो उसके अंदर अगर मैं रीड फंक्शन लगाता हूँ और उसको कुछ पैरामीटर नहीं देता तो ये पूरी की पूरी ये सारी की सारी लाइन्स उठा के ले आएगा। और अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ लाइक रीड 5 तो ये खाली 5 बाइट उठाएगा, और 5 बाइट ये 5 वर्ड भी हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 वर्ड के बाद अगली लाइन आ जाए 3 लेटर के बाद, तो खाली 5 लेटर उठाएगा क्योंकि एक बाइट एक करेक्टर के। रीड को यूज़ कैसे करते हैं, फाइल को ओपन करेंगे और रिजल्ट इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। अब देखो ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड कराया हमने, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिया है, सो ऑब्जेक्ट काम आएगा हर फंक्शन में। एफ डॉट रीड कराया और रिजल्ट के अंदर से स्टोर करा दिया और फिर रिजल्ट प्रिंट करा दिया, तो इससे पूरी पूरी फाइल ही प्रिंट हो जाएगी हमारी। रीड फंक्शन के अलावा हमारे पास एक फंक्शन और होता है जो कि हमारा रीड लाइन फंक्शन। ये क्या करता है, नाम से पता लग रहा है, एक लाइन को रीड करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ नहीं दूंगा, पैरामीटर नहीं दूंगा, तो क्या करेगा, ये सारे बाइट रिटर्न कर देगा एक लाइन के अंदर से, और अगर मैं इसको कोई बाइट दे दूंगा तो ये उस लाइन में से उतने बाइट्स हमें दे देगा, ठीक है। देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने एक फाइल ओपन करी है list.txt, अपने f के अंदर एक f ऑब्जेक्ट बनाया, रिजल्ट f.readline। सो नाम से इसको कुछ दिया नहीं है, नाम से पता है हमें क्या होगा, रिजल्ट के अंदर एक लाइन आ जाएगी, तो मैं रिजल्ट को प्रिंट कराता हूँ, विल प्रिंट द फर्स्ट लाइन, यानी जो एक लाइन रीड हुई है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैंने दोबारा कमांड चलाई, अब मैं यहाँ पे इसको रिजल्ट में स्टोर कराने की जगह डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ। मैंने क्या करा, f.readline 3 से क्या पता चल रहा है, ये रीड करेगा लाइन और सिर्फ 3 बाइट्स रीड करेगा उस लाइन के और हमें प्रिंट करा देगा। सो विल प्रिंट द फर्स्ट 3 करेक्टर्स ऑफ द सेकंड लाइन, तो जो हमारी दूसरी लाइन है उसके पहले के 3 करेक्टर पढ़ के लाएगा और यहाँ पर हमें प्रिंट करा देगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा एफ डॉट रीड लाइन करता हूँ तो क्या होगा, तो अब यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या ये वही लाइन आगे कंटिन्यू करेगा या फिर नेक्स्ट लाइन से करेगा, क्योंकि ये रीड लाइन है, 3 बाइट्स उसने पढ़ ली थी, तो क्या ये नेक्स्ट लाइन पर स्टार्ट करेगा या आगे जाएगा, तो ये आगे जाएगा, 3 बाइट पढ़ ली। अब मैं दोबारा रीड लाइन करता हूँ तो ये आगे की बाकी की लाइन ले आएगा, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ही प्रिंट कर देगा। इसके बाद मैं अगर दोबारा रीड लाइन करता हूँ तो फिर ये थर्ड लाइन पूरी प्रिंट कर देगा, ठीक है। और विद प्रैक्टिस आपको पूरी आदत हो जाएगी कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है, अभी के लिए फिलहाल आप याद करते जाओ। और यहाँ पर रीड लाइन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, रीड लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली \n ऐड कर देता है जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जैसे इसने रिजल्ट को जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग आई पूरी स्ट्रिंग पढ़ेगा और उसके एंड में ऑटोमेटिकली एक \n लगा देगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया, ऑटोमेटिकली एक \n लगा देगा एंड में, तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं अगला प्रिंट करा रहा हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन से आता है। रीड लाइन के बाद हमारा एक तीसरा फंक्शन भी आता है जिसका नाम है रीड लाइंस। अब ये भी नाम से क्लियर होगा, ये क्या मल्टीपल लाइंस पढ़ लेगा, तो क्या करता है जितनी भी लाइन है ये हमें सारी दे देगा। सो देखा जाए तो इसका मतलब तो वही है जो हमारा रीड फंक्शन था, अगर मैं सब कुछ ना दूं तो मेरे को पूरी फाइल दे देता था,
और अगर मैं रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी मेरे को सारी लाइन दे रहा है, तो डिफरेंस क्या है? तो जो रीड फंक्शन था वो क्या करता था, सारी की सारी बाइट्स उठा के दे देता था एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। रीड लाइन्स क्या करता है, ये एक एक लाइन उठाता है और हर लाइन को लिस्ट का एक एलिमेंट बनाता जाता है, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में दे देगा हमें। एग्जाम्पल देखते क्लियर हो जाएगा। एक फाइल खोली हमने न्यू फोल्डर के अंदर list.txt, रिजल्ट के अंदर डाल दिया रीड लाइन्स यानी सारी सारी लाइन्स आ गई, रिजल्ट अब हमारा एक लिस्ट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे list.txt फाइल के अंदर कुछ था ला 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 आई एम डिस्कॉर्ड आंसर जिंदगी मेरा गाना, ठीक है। इसके बाद ये तीन लाइन है इसके अंदर, रीड लाइन्स में करता हूँ तो ये तीनों लाइन्स पड़ेगा और तीनों लाइन्स को लिस्ट का एक एक एलिमेंट बना देगा, यहाँ पर देखोगा, ठीक है। और जब मैंने आउटपुट देखा तो यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट्स भी दिख गए, इसका मतलब क्या है कि इसने एक लिस्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न करा है। तो ये तो हमने देख लिए सारे इनबिल्ट फंक्शन रीडिंग के क्या होते हैं, रीड रीड लाइन और रीड लाइंस। अगला हमारे पास एक मेथड आ रहा है अल्टरनेट मेथड लाइन बाय लाइन रीड करने का। सो वो क्या है, मैंने एक फाइल खोली release.txt। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लूप का यूज कर रहा हूँ फाइल के अंदर चलने के लिए। सो एफ क्या है हमारा, फाइल का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फाइल का रेफरेंस है। तो मैंने आई को एक आई चला दी एफ के अंदर, एफ में बेसिकली हमारी फाइल है, अब आई उसके अंदर चल रहा है। सो आई कैसे चलेगा, आई चलेगा लाइन बाय लाइन, आई पहले पहली लाइन पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी लाइन पड़ेगा, फिर तीसरी लाइन पड़ेगा, ठीक है। सो आई लाइन बाय लाइन जंप करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन उसको चलाता जा रहा हूँ, साथ साथ प्रिंट कराता जा रहा हूँ। तो आई जो है वो कहाँ तक इटरेट करता है, आई फाइल के अंदर जाता है और स्टार्ट करके बैक स्लैश एन पे रुक जाता है। तो एक बार में आई एक स्ट्रिंग लाता है, फिर अगली पे जाता है, बैक स्लैश एन पे रुक जाता है, फिर दूसरी स्ट्रिंग लाता है। सो यानी लाइन बाय लाइन पड़ेगा, प्रिंट आई करता जाएगा। और इसको लिखने का दूसरा मेथड क्या है, अभी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, आउटपुट के अंदर जनरली ऐसा दिया जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, वाइल एस, अब एस क्या चीज़ है, एस नीचे रखा है, एस है रीड लाइन। तो फर्स्ट लाइन कहती है कि जब तक एस है, और एस है क्या, रीड लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक रीड हो रहा है जब तक लूप चलेगा, ठीक है, यानी जब तक रीड लाइन होती जा रही है जब तक रिपीट करता जाएगा। जैसी रीड लाइन होना बंद हुआ, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई, लूप टूट जाएगा। तो रीड लाइन कब तक होगी, जब तक लाइन चलती जाएगी, और उसके बाद ये प्रिंट करा देगा। तो इससे मैं सारी लाइनें प्रिंट करा सकता हूँ, बट इसमें मेरे को ये पता चल जाएगा कि फाइल एंड कहाँ हो रही है। वैसे मेरे को पता नहीं चलता फाइल एंड कहाँ हो रही है, वैसे मेरे को लूप चलाना पड़ता या फिर मेरे को रीड लाइंस का यूज़ करना पड़ता, बट रीड लाइंस में फिर मेरे पास लिस्ट आ जाती तो मेरे को वो तो चाहिए ही नहीं। तो रीडिंग के हमने मेथड देख लिए सारे, एक है हमारा रीड, फिर है हमारा रीड लाइन, रीड लाइंस और लूप से हम कैसे रीड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे एक फाइल के अंदर हम राइट कर सकते हैं। राइटिंग भी हमारी जैसे रीडिंग के फंक्शन से वैसे राइट के भी फंक्शन होते हैं। सो पहला हमारा फंक्शन क्या है, राइट फंक्शन। राइट फंक्शन के अंदर हम एक स्ट्रिंग डालेंगे और वो जाकर राइट हो जाएगी, इतना सिंपल है। सो राइट फंक्शन क्या करता है, str स्ट्रिंग को राइट कर देता है जो भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है। सो मैंने f के अंदर एक फाइल खोली, f ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू फोल्डर में series.txt, और इस बार देखो मेरे को यहाँ मोड बताना पड़ा है, ऊपर में मोड नहीं बता रहा था, क्यों, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट मोड होता है वो रीड मोड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, राइट मोड हमें बताना पड़ेगा। सो मैंने क्या करा, f.write, और इसके अंदर मेरे को जो भी स्ट्रिंग डालनी थी मैंने डाल दी। सो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। सो f.write करूँगा तो ये क्या करेगा, f जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ जो फाइल है उसके अंदर ये राइट कर देगा इस वाली स्ट्रिंग को, ठीक है। एफ ऑब्जेक्ट के साथ जो फाइल है उसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग को इनपुट कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी वो फाइल के अंदर जाके प्रिंट हो जाएगी। बट ये हमारा राइट मोड था। सो अगर list.txt के अंदर कुछ पुराना डेटा पड़ा हुआ तो वो सारा उठ जाएगा और उसके बाद जाके वाली लाइन जाएगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट फंक्शन के बाद हमारा एक फंक्शन आता है राइट लाइन्स। अभी राइट लाइन्स जो है रीड लाइन्स की तरह ही है। रीड लाइन्स क्या करता था, सारी लाइन्स को उठाकर एक लिस्ट में डाल देता था। राइट लाइन्स क्या करेगा, लिस्ट में से सारे एलिमेंट उठा के उनको लाइनों में डाल देगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं क्या करता है, राइट्स ऑल स्ट्रिंग फ्रॉम लिस्ट इन द फाइल एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल खोल ली list.txt, टास्क नाम का मैंने एक बना लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने कुछ टास्क डाले, जिम चैप्टर 3 वाटर प्लांट्स डॉग्स डॉग, ठीक है, ये सब मैंने डाला। अब मैंने यूज़ करा राइट लाइन्स फंक्शन और इसमें डाल दिया टास्क। टास्क क्या था हमारा, एक लिस्ट थी। अब लिस्ट का हर एलिमेंट जाकर उस फाइल में ऐड हो जाएगा और अलग अलग लाइन में चले जाएंगे। तो पहली लाइन में आ जाएगा जिम, उसके लिए लाइन में आ जाएगा चैप्टर 3, मतलब जिस हिसाब से एलिमेंट थे उसी हिसाब से लाइंस बन जाएंगी। बस ये रीड लाइंस का अपोजिट है, जो अपोजिट होता है रीड लाइंस। तो रीड और राइट हमें समझ आ गया था। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमें स्ट्रिंग के अंदर हेल्प करेंगे, जो हमारे स्ट्रिप फंक्शंस। तो स्ट्रिप नाम से पता चल रहा है क्या होता है, काटना, किसी चीज़ को कट करना। सो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, रिमूव्स द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम द बोथ एंड्स, यानी अगर मैं स्ट्रिंग को कोई भी कैरेक्टर दूंगा सो ये स्ट्रिंग के बोथ एंड से उस कैरेक्टर को काट देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सेंटेंस है AAA BBA CA, अगर मैं लिखता हूँ इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं लगाता हूँ स्ट्रिप ए, तो ये क्या करेगा, दोनों साइड से जितने ए होंगे उतने काट देगा। तो इस साइड से सारे ए काट देगा, इस साइड से ए काट देगा, तो हमारा बचेगा BBA CA, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रिप फंक्शन करता है। देखते हैं नीचे कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं स्ट्रिप फंक्शन को कुछ भी ना दूँ तो उस केस में क्या करेगा, ये खाली स्पेसिस को उड़ा देगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए, जिसके अंदर ऐसे हेलो वर्ल्ड टुडे वी स्टडी पाइथन, इसके अंदर यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पर फालतू स्पेस दिख रहा है,
यहाँ पर फालतू स्पेस दिख रहा है, लास्ट में एक फालतू स्पेस दिख रहा है। तो मैंने स्ट्रिप लगाया, इसको कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं तो मतलब कि किसको हटाएगा, ये स्पेसिस को हटाएगा। तो इसने दोनों साइड से, स्टार्टिंग से और एंड से सारे स्पेसिस उड़ा दिए। देखो यहाँ पर भी फालतू स्पेस थे, यहाँ भी फालतू स्पेस थे, इसने दोनों उड़ा दिए। स्ट्रिप का जैसा हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है एल स्ट्रिप, ये क्या करता है, बस वही काम करता है, बस ये खाली लेफ्ट स्ट्रिप करता है। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रिंग थी, मैं एल स्ट्रिप लगाया तो लेफ्ट के स्पेसिस उड़ जाएंगे लेकिन राइट वाले एज इट इज रह जाएंगे। और आर स्ट्रिप क्या करेगा, आर स्ट्रिप भी वैसा ही होता है, ये खाली राइट एंड से स्ट्रिप कर देता है। सो जब मैंने इस पर लगाया तो इसने राइट वाले स्पेसिस तो उड़ा दिए बट लेफ्ट वाले को रखे रहने दिए। सो स्ट्रिप फंक्शन हमारा बहुत यूजफुल होता है अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग में से एक्स्ट्रा करेक्टर्स हटाने होते हैं, या फिर मैं कोई स्ट्रिंग फाइल के अंदर डाल रहा हूँ और डालने से पहले मेरे को कोई एक्स्ट्रा करेक्टर्स हटाने हैं तो मैं स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करता हूँ। और स्ट्रिप फंक्शन का एक बहुत ही कमाल का यूज़ क्या है कि हम उससे डिलीमिटर्स हटा सकते हैं लाइन के। तो डिलीमिटर मतलब कि जब भी हमारी लाइन्स होती हैं उनके लास्ट में बैक सेशन होता है। अब मान लो मेरे को बैक सेशन हटा के सब लाइन्स को एक ही लाइन के अंदर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं राइट स्ट्रिप कर देता हूँ बाय बैक सेशन को, यानी हर लाइन के लास्ट में से बैक सेशन हटा देता हूँ। सो एस इज टू एस राइट स्ट्रिप आर स्ट्रिप और बैक सेशन हटा जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइल पॉइंटर्स। फाइल पॉइंटर्स आपका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक है क्योंकि आपका काफ़ी फर्क डाल देता है आउटपुट के क्वेश्चंस पे भी और प्रैक्टिकलिटी में भी फाइल यूजेस के। सो फाइल पॉइंटर करता क्या है, ये हमें करंट पोजीशन बता देता है फाइल के अंदर जहाँ हम चल रहे हैं या फिर जहाँ से हम रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमने रीड लाइन पढ़ा था, अगर मैं एक बार रीड लाइन करता हूँ फिर मैं अगर दूसरी बार रीड लाइन करने पे सिर्फ 3 बाइट तक पढ़ता हूँ तो मैं जब तीसरी बार रीड लाइन करूँगा तो इसके आगे से ही कंटिन्यू होगी। सो यानी कोई तो ऐसा कुछ है जो ये ध्यान रख रहा है कि लास्ट टाइम हमने रीड करके कहाँ छोड़ा था। ठीक है, 3 बाइट के बाद छोड़ा था तो अगला वहीं से कंटिन्यू हुआ ना। यानी कोई तो ऐसी चीज़ है जो ध्यान रख रही है कि हमने कहाँ छोड़ा था, वही है हमारा फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर पोजीशन स्टोर करके रख लेता है जहाँ हमने लास्ट टाइम रीड करा था या फिर अब जहाँ से अब रीड करना है वो पोजीशन नोट करके रख लेता है। सिमिलरली ऐसा ही पॉइंटर एक राइटिंग में भी होता है कि हमने कुछ एक फाइल के अंदर लिखा लिखा लिखा, अब उसके बाद कहाँ से लिखना है वो भी फाइल पॉइंटर ही स्टोर करता है। अब जनरली जो ये राइटिंग वाला होता है ये तो हमेशा एंड में ही होता है कि जहाँ तक हमने लिखा उसी के बाद से कंटिन्यू होगा, बट इस फाइल पॉइंटर की मदद से हम किसी फाइल के बीच में भी लिख सकते हैं। मान लो ऐसे करके है, अब मैं इस फाइल पॉइंटर होकर यहाँ प्लेस कर दूँ और लिख दूँ सो ये बीच के अंदर लिख देगा। ठीक है, सो राइटिंग वाला तो ऐसे ही होता है, रीडिंग वाला हमने बता दिया कि कहाँ से रीड करेगा वो डिसाइड करता है फाइल पॉइंट। इसका एग्जांपल क्या है कि एक बुकमार्क की तरह होता है, जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक बुकमार्क लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है नेक्स्ट टाइम जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि हमने यहाँ छोड़ा था तो यहीं से कंटिन्यू होगा। सिमिलरली हमारा पॉइंटर करता है कि हमने यहाँ रीडिंग छोड़ी थी या हमने यहाँ राइटिंग छोड़ी थी और अगली बार वहीं से कंटिन्यू होगा। एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं कैसे पॉइंटर वर्क करता है। सो मान लेते हैं एक हमारी स्ट्रिंग है भारत माता की जय। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी नॉर्मल स्टार्टिंग होती है वो तो होती है एकदम स्टार्टिंग से, तो मैंने इसके ऊपर रीड फंक्शन लगाया और रीड फंक्शन में मैंने लिखा 3। रीड के अंदर अगर मैं कोई नंबर देता हूँ तो उतनी बाइट्स पढ़ लेता है, तो 3 दूंगा तो ये 3 बाइट्स पढ़ लेगा और 1 बाइट होती है 1 करेक्टर के बराबर, तो यानी ये 3 करेक्टर्स पढ़ लेगा। तो इसने 3 करेक्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, अब पॉइंटर हमारा आ गया यहाँ पर। सो जब भी मैं नेक्स्ट रीडिंग करूंगा तो यहाँ से कंटिन्यू होगी। ठीक है, सो पॉइंटर हमारा ये बता देता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। और अगर हम देखें रीड और राइट मोड में जो हमारा पॉइंटर होता है वो तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, लेकिन अपेंड मोड के अंदर वो हमेशा लास्ट से स्टार्ट होगा क्योंकि मेरे को एंड में ऐड करना होता है, अपेंड करना होता है। ठीक है, सो ये चीज़ हम याद रखें कि अपेंड के अंदर जो है हमेशा लास्ट से पॉइंटर स्टार्ट होता है। अब एक टॉपिक हमारा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें तो बेसिक कोडिंग ही करनी है, बट एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस के अंदर है तो पढ़ना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इनपुट फॉर मोस्ट पीसी इज कीबोर्ड। जो बेसिक इनपुट हमारा जनरली कीबोर्ड और माउस से होता है, और अगर हम करेक्टर्स देखें तो कीबोर्ड से होता है। और स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, कोई भी स्क्रीन हो सकती है, वो मॉनिटर हो सकता है, फोन की स्क्रीन हो सकती है, लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है। ठीक है, सो एसटीडी इन और एसटीडी आउट क्या होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इनकी मदद से हम स्टैंडर्ड इनपुट क्या है हमारा कीबोर्ड, तो हम कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है हमारा स्क्रीन, तो हम स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, एक फाइल को मैंने ओपन करा, ठीक है, रॉ फॉर्मेट में करा है, कॉलेज डीबी में ms.txt। ठीक है, अब मैंने 2 बार इसमें से लाइन रीड कराई, एक बार मैंने लाइन रीड कराई L1 के अंदर, एक बार L2 के अंदर। सो L1 के अंदर पहली लाइन आ गई, L2 के अंदर दूसरी लाइन आ गई। अब उसके बाद देखो मैं यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ, sys.std.out.write। ये क्या चीज़ है हमारा, यहाँ पर हमने इंपोर्ट sys कराया था, यहाँ पर हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया सिस्टम का जो हमारी सारी सिस्टम कमांड्स दे देगा। यहाँ पे हमने क्या करा, सिस्टम यानी sys.standardoutput.write, यानी स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है मॉनिटर, तो मॉनिटर के ऊपर राइट कराना है L1। तो क्या कर देगा, L1 जो भी था जो हमारा आया था लाइन उसको प्रिंट करा देगा मॉनिटर के ऊपर। अब ये हम इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं, इसको डायरेक्ट प्रिंट भी तो करा सकते थे। अब काफ़ी बार क्या होता है, जनरली जब हम छोटे अलग बात कर रहे हैं, मान लो मैं कोई रोबोट बना रहा हूँ, अब रोबोट के अंदर में हमारे अंदर स्क्रीन नहीं होती, उसके अंदर छोटी सी कोई डिजिटल डिस्प्ले होती है। अब डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ जो डिवाइस कनेक्टेड है मेरे को उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट ही देखूंगा स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ जो कनेक्टेड है उस पर प्रिंट होता है, और स्टैंडर्ड आउटपुट किससे कनेक्टेड था, हमारा डिजिटल स्क्रीन से। सो ऐसी छोटी लेवल की टिपिकल कोडिंग में हमारा काम आता है, हमारे जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर स्टैंडर्ड काम नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या करा, लाइन 2 को हमने स्टैंडर्ड आउटपुट करा दिया और लिखवा दिया उसको
जो भी उसके साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये जो राइट स्टेटमेंट से क्या कर रही है, राइट ऑन द फाइल या डिवाइस, फाइल भी एसोसिएटेड हो सकती है, डिवाइस भी एसोसिएट हो सकता है स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ, तो उसके ऊपर वो प्रिंट करा देगा। हमारे केस में मॉनिटर है। लास्ट में हमारा दे रखा है एक सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड एरर डॉट राइट। ये स्टैंडर्ड एरर क्या है, इसका काम भी आउटपुट की तरह ही है, बट जब हमें एरर्स देने होते हैं जब हम इसको यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा आउटपुट वाला सेक्शन और एरर वाला सेक्शन अलग हो जाता है, तो उससे छाटने में ईजी रहता है, बाकी वो दोनों सेम काम करते हैं। तो एसटीडी इन हमारा रीड मोड में रहता है और एसटीडी आउट हमारा राइट मोड में रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइल डायरेक्टरीज। फाइल डायरेक्टरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हमारे लिए, बट ओवरऑल अगर प्रोग्रामिंग में देखो तो आपको समझना जरूरी है। डायरेक्टरी हम कैसे लिखते हैं, बैक स्लैश लगा के, नॉर्मल आपको पता ही यार कैसे लिखनी होती है। अब अगर मेरे को पता है कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है या फिर हमारा फाइल कहाँ स्टोर्ड है, तब तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को यही नहीं पता वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सो उस केस में मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को वर्किंग डायरेक्टरी पता ही नहीं है तो मैं खाली नाम लिख देता हूँ। अगर मेरी फाइल उसी फोल्डर के अंदर है, ठीक है, मान लो वर्किंग डायरेक्टरी में एक लिस्ट नाम की फाइल है, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली उसका नाम लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा। अगर मेरे को वर्किंग डायरेक्टरी से बाहर जाना है या वर्किंग डायरेक्टरी में कहीं अंदर आगे पीछे जाना है, तब मैं यूज़ करता हूँ हमारा डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या होता है, तो हमारा जो भी वर्किंग फोल्डर होता है उसको हम डॉट से शो करते हैं। तो अगर मेरे वर्किंग फोल्डर के अंदर लिस्ट नाम की फाइल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ डॉट स्लैश लिस्ट डॉट टीएक्सटी। अब मान लो मेरी जो वर्किंग फोल्डर है उसके साथ में एक और फोल्डर है, सो मैं कह सकता हूँ वर्किंग फोल्डर ये हो गया हमारा, इसके अंदर मान लो एक और फोल्डर है न्यू फोल्डर नाम का। सो मैं वर्किंग फोल्डर के साथ वाले फोल्डर में भी जा सकता हूँ इसे, और मेरे को पता ही नहीं है वर्किंग फोल्डर है क्या, बट मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने डॉट लिखा है। ठीक है, अगर मेरे को वर्किंग फोल्डर के भी पेरेंट फोल्डर में जाना है, यानी वर्किंग फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं पीछे भी जा सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ डबल डॉट। ठीक है, ये क्या होता है, डबल डॉट होता है पेरेंट फोल्डर ऑफ वर्किंग फोल्डर। सो मैं इस फोल्डर के अंदर तो हूँ बट मेरे को इस फोल्डर की लोकेशन नहीं पता, तो मैं इससे आसपास नहीं जा सकता। इसके आसपास जाने के मेरे पास डॉट और डबल डॉट है, डबल डॉट से मैं इसके पीछे जा सकता हूँ, डॉट से मैं इसके साथ में उसके अंदर जा सकता हूँ। सो आई होप इसके बाद आपको सारा का सारा समझ आ गया होगा। इतना था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।